केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है आपका चुनावी दंगल में। जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची सबौर। नगर पंचायत सबौर से वार्ड पार्षद पद की प्रत्याशी हीना कौसर अख्तर जी, जिनका चुनाव चिन्ह है मोर्चा क्रम संख्या 7, इनके प्रतिनिधि खुर्शीद आलम से हमारे संवाददाता ओंकार झा की खास बातचीत हुई है। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या खास तैयारियां हैं, जानते हैं हमारे संवाददाता ओंकार झा की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में नगर निकाय का चुनाव होना है और 28 तारीख को दूसरा मतदान है। अभी हमारी पूरी टीम कैमरामैन प्रियांशु झा के साथ भागलपुर जिला के सबौर में है, जो कि नया नगर पंचायत बना है, और यहां पे मेरी मुलाकात भावी वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हीना कौशल अख्तर, उनके प्रतिनिधि खुर्शीद आलम जी से हुई। उनसे ही जानेंगे कि उनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में क्यों आई हैं, क्या काम करना चाहती हैं, कितना आगे तक देखना चाहती हैं, कितना विकास की गंगा बहाना चाहती हैं। इनका एक नारा है, ईमानदारी मेरी आदत, सच्चाई मेरी ताकत, क्षेत्र का विकास मेरा सपना, सहयोग और आशीर्वाद आप सबों का। देखते हैं जनता यहाँ इस पर कितना समर्थन करती है। खुर्शीद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से नगर पंचायत के वासियों से हमारा प्रणाम जी। आपकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में है, क्या उद्देश्य लेके आई हैं? एक्चुअली क्या है कि मैं काफ़ी दिन से जनता के बीच में हूँ जी, और हमारा उद्देश्य है कि जनता का भला करे जी, और मदद करे जी, और वैसे भी हम हमेशा करते आए हैं काफ़ी दिन से जी, चूँकि ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है जी, और हमारा काम भी है ज़मीन का, तो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो सर, यहाँ पे अपने पास वार्ड में समस्याएं क्या क्या होगी? समस्या है इंदिरा आवास जी, आपका नाला हो गया जी, जल जमाव बिल्कुल जी, काफ़ी दिन से जहाँ भी आप देखेंगे जी, हर गली कुची में सेम वैसा ही पड़ा हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। और सर, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इस तरह की तमाम समस्याएं, जब हमारी पूरी टीम आपके वार्ड में घूम रही थी तो पता चला है जी, जी। तो ये भी समस्याएं एक हमें दिख रही थी बिल्कुल। अगर हीना कौशल अख्तर जी चुनाव जीत जाती हैं, यहाँ की जनता उनको अपना पार्षद बनाती है, आपके द्वारा उनके लिए क्या क्या काम होगा? सर, 5 ऐसे काम बताएं जिसको आप प्राथमिकता देंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सरकारी जो भी योजनाएँ हैं जी, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, धरातल पे उतरे बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा सोच भी है। और 5 ऐसे काम हैं, रोड हो गया, नाला हो गया, विधवा पेंशन हो गया, इंदिरा आवास हो गया, विकलांग पेंशन हो गया जी, जो भी सरकारी योजनाएं हैं जी, वो सारा हम सारा का सारा हम काम करने का प्रयास करेंगे, और जितना अधिक से अधिक लाभ होगा सारा हम दिलाने का काम करेंगे। सर, यहाँ पे जब हमारी टीम घूम रही थी, एक चीज़ और दिखाई पड़ा जी, जी। शिक्षा का स्तर थोड़ा सा गिरा हुआ है जी बिल्कुल, इसको आप कैसे देखेंगे इस व्यवस्था को? इसको हम घर घर जा कर के मैं और मेरी पत्नी और जो भी टीम होगा, इलेक्शन के बाद अगर मैं जीत जाता हूँ तो हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं सर। एक सवाल और, आपकी प्रत्याशी महिला प्रत्याशी होने के कारण महिलाओं को कैसे अपने पैरों पे खड़ा करेंगे? एक्चुअली क्या है, वो मेरी वाइफ चूँकि इस चीज़ से भी जुड़ी हुई है और काफ़ी दिन से, चूँकि यहाँ की बहू है वो जी, बेटी तो है नहीं जी, लेकिन जहाँ की बेटी है वो इस चीज़ से भी जुड़ी हुई है जी, और चूँकि अच्छे अच्छे नेता से उनको संपर्क है जी, और सोशल वर्किंग उनका पहला यही काम है जी, कि हमेशा सभी को मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, डॉक्टर हो, चाहे वे गरीब हो, चाहे आसपास में कोई रोता भी लगता हो, तो उसको हमेशा देखने का काम करती हैं जी, और हमारा भी यही सोच है कि उनके काम को समर्थन दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए। बहुत अच्छी बात सर। लास्ट सवाल, यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप हमें एक बार चुनाव जिताएं, क्योंकि ये जनता का ही सोच है। मैं मोहम्मद खुर्शीद आलम,
वार्ड नंबर 8 का हूँ जी, 7 नंबर से प्रत्याशी हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ जी। कई लोग ऐसे हैं कि वो, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन सब लोग ने कहा है कि नहीं आप सक्षम हो और व्यवहार विचार विश्वास, तो मैंने ये चुना और चुनावी मैदान में अपने धर्मपत्नी को उतारे हैं समाज की सेवा करने के लिए। समाज की सेवा करने के लिए, और शुरू से उनका ये थॉट रहा है कि हम, मुझे अगर मौका मिला तो हम जैसे अपने मायके में हमेशा सबका मदद किए हैं, तो अपने ससुराल में भी जो भी है। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच लेके। आपके प्रत्याशी का नाम क्या है? हीना कौशल अख्तर। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? मोर्चा। क्रमांक संख्या क्या है? 7। वार्ड नंबर? 7। आपने देखा जो हमारे प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी की सोच जो है बिल्कुल गंगा की तरह निर्मल है। उनका कहना है कि यहाँ पे घुसखोरी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, क्योंकि वो यहाँ की बहू हैं, जहाँ जहाँ की बेटी हैं वहाँ पे भी वो कई मतलब गरीबों का मदद करते आई हैं शुरू से जी, बिल्कुल। और ईमानदारी उनके छवि में है। देखते हैं जनता उनको कितना समर्थन कर पाती है, क्योंकि जनता मालिक है, जनता भगवान है। फिलहाल बने रहे कलालचा टाइम्स के साथ, धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुमका ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।